Hello guys, assalamu alaikum. Hope you guys are doing great and having a very amazing, fantastic and awesome day. This is me Rashid Khan और इस टाइम मैं मौजूद हूँ सिचुआन प्रोविंस के कैपिटल चंगदू के अंदर. आज हम जा रहे हैं शियान सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए. शियान सिटी बेसिकली चंगदू से 700 किलोमीटर दूर है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है चाइना के अंदर. यहाँ पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं. यहाँ पर चाइना की सबसे बड़ी मस्जिद है. मुस्लिम फूड स्ट्रीट यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है. और भी हम बहुत कुछ जाके शियान के अंदर एक्सप्लोर करेंगे. 15 मिनट के अंदर हम जो है वो रेलवे स्टेशन के अंदर पहुँच जाएंगे. 20 मिनट्स लेटर. जी तो गाइस, इस टाइम मैं मौजूद हूँ चंगदू रेलवे स्टेशन के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो चाइना का कोई मुकाबला नहीं है. मैंने शियान जाने के लिए ट्रेन डिसाइड किया और ट्रेन के अंदर जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, फास्ट बुलेट ट्रेन और दूसरा ऑप्शन था स्लो ट्रेन. तो अभी शियान जाने के लिए मैंने फास्ट ट्रेन को चूज किया और उसकी जो है वो टिकट मैंने ऑनलाइन बाय कर लिया है. मैं यूज करता हूँ रेलवे 12306 ऐप को. इस ऐप को मैंने इंस्टॉल करके जो है मैंने इसको ओपन किया. चंगदू से जो है वो मैंने शियान को सिलेक्ट किया. उसके बाद जो है जिस डेट को टिकट करवानी हो उस डेट को सिलेक्ट किया और साथ जो है वो सर्च कर दिया. तो ये जो है वो हमें बता देता है कि ट्रेन कितने बजे जाएगी. और फॉर एग्जांपल हमने ये ट्रेन करनी है, इस पर क्लिक किया, बाकी टिकट सोल्ड आउट हो गई हैं. तो उसके बाद जो है बुक पे क्लिक किया और यहाँ से ऐड इन्फॉर्मेशन करके जो है हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कर लेते हैं. और उसके बाद जो है जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं वहाँ से हमें टिकट मिल जाती है. इस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि चाइना की फास्ट बुलेट ट्रेन के अंदर ये मेरा पहला ट्रैवल होने वाला है. यहाँ पर मुझे अपना पासपोर्ट चेक करवाना है. हमारा सामान सिक्योरिटी चेक से गुजरेगा और ये मेरा सामान यहाँ पर आ गया. यहाँ पर जो है वो चाइनीज़ का बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ है और ये सब लोग अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं. मेरी ट्रेन की जो टाइमिंग है वो 4:21 पे है. इस टाइम 4:06 हो चुके हैं. अभी भी जो है वो 15 मिनट बाकी है. 15 मिनट के बाद हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी. यहाँ पर चाइनीजों का रश चेक करें और हमने जो है वो A14 से एंट्रेंस लेनी है. तो गाइस इस टाइम जो है मैं वो रेलवे ट्रैक के ऊपर पहुंच चुका हूँ. ट्रेन जो है वो यहाँ पर सामने ठहरी हुई है. दूसरी फास्ट ट्रेन जो है वो इस ट्रैक पर है और हमारी फास्ट ट्रेन अभी यहाँ पर 2 मिनट के अंदर आएगी जिसका हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं. लोगों ने ट्रेन के डिब्बा नंबर 3 में जाना है वो लोग यहाँ पे ठहरे हैं और जिन्होंने 4 में जाना है वो यहाँ ठहरे हैं. A few moments later, हमारी बुलेट ट्रेन फाइनली यहाँ पर आ चुकी है और अब हमें इसके अंदर जाना है और जाके अपनी सीट फाइंड करनी है. तो गाइज मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है अबू बकर ने और आपने इनको बीजिंग व्लॉग के अंदर भी देखा होगा. अब जो है वो इकट्ठे हम जाएंगे शियान सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए. सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. हमारे वाली साइड के ऊपर इसकी 3 सीट्स हैं. मैं हूँ अबू बकर है और हमारे साथ ये एक चाइनीज़ है. लेकिन इस चाइनीज़ का जो है वो अभी तक पता नहीं है कि ये बॉय है कि गर्ल है, क्योंकि इनके बॉयज़ ने भी बड़े बड़े बाल रखे होते हैं और इसने जो है वो कैप पहन रखी है और जब से हम आए हैं इसने हैंड पे लगाई हुई है और बैठ के जो है मूवी देख रही है या देख रहा है. चुआन प्रोविंस के अंदर जो इसकी ग्रीनरी है ना, ये कोई बहुत ही कमाल की है. चाइना के अंदर इंटर हुआ था और मैंने फ्लाइट की विंडो से जब नीचे देखा था मुझे नीचे ग्रीनरी के अलावा कुछ नजर नहीं आया था. A few moments later, ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे फास्ट ट्रेन के अंदर हो चुके हैं और ये इतनी कंफर्टेबल है कि फील ही नहीं हो रहा कि चल रही है कि नहीं चल रही. और यहाँ पर ये फ्रूट वाला आया, फ्रूट है इसके पास, पानी वगैरह है और बहुत सारा खाना पीना ये लेके आया हुआ है. और नीचे ये बुलेट ट्रेन भी रखी हुई है इसने. मुझे आइडिया नहीं था कि हमें रास्ते के अंदर किस तरह की फूड मिलेगी, हलाल फूड मिलेगी नहीं मिलेगी, हम किस टाइम पे पहुँचेंगे. तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने लिए खुद बिरयानी बना के चलते हैं जो कि अब हम इसको यहाँ पे इंजॉय करेंगे. और ये बिरयानी है हमारे पास जो हम जो हैं आने से पहले अपने लिए बना के लाए थे. उसके साथ हमारे पास ये योगर्ट है और ये वाटर. इस बिरयानी को पैक करके बैग के अंदर अच्छी तरह लपेट के रख दिया था इसलिए ये बिरयानी अभी तक गर्मा गर्म है. और ऐसे मौके पे गर्मा गर्म बिरयानी खाने का मज़ा अपना ही है. इससे ज़्यादा भूख लगी हुई थी और ये अपनी बिरयानी फिनिश कर गई है और मेरी अभी आधी बिरयानी रहती है. स्पीड 241 किलोमीटर पर आवर. हमने ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है.
तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर हम शियान पहुंच जाएंगे। जो है वो अपना खाना पीना कर लिया, और इस टाइम खाने पीने के बाद जो है हम बहुत ही ज़्यादा इस टाइम एनर्जेटिक हो चुके हैं, और ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। बहुत से लोग पिछले स्टॉप के ऊपर उतर गए थे, लेकिन अभी हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। जी तो गाइज, रात के 9:37 हो चुके हैं और इस टाइम हम मौजूद हैं शियान रेलवे स्टेशन के ऊपर। बुलेट ट्रेन से उतरने के बाद इन्होंने सबसे पहले हमारा पासपोर्ट वेरीफाई किया। पासपोर्ट वेरीफाई करने के बाद अब हम जा रहे हैं सबवे की तरफ। हमारे यहाँ पर सबवे आ चुकी है और अब हम यहाँ से जाएंगे अपने अपार्टमेंट। शियान का सबवे जो है ये चंगदू से बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड लग रहा है। अपने सब स्टेशन के ऊपर आ गए हैं और अब हम यहाँ से थीदी लेंगे। A few moments later. थीदी यहाँ पे आ गई है और अब हमें जो है यहाँ पर सामान वगैरह इसके अंदर रखना है और फिर हम जाएंगे अपने अपार्टमेंट। गाइस, इस टाइम मैं अपने दोस्त के अपार्टमेंट के अंदर पहुंच चुका हूँ, और आज का जो मेरा बुलेट ट्रेन का फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। बुलेट ट्रेन ने हमें 4 घंटे के अंदर 700 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैवल करके यहाँ शियान के अंदर पहुँचा दिया, जो कि लोकल ट्रेन जो थी वो 17 घंटे से ज़्यादा टाइम ले रही थी। और अब जो है वो यहाँ पर रात के 11 बज चुके हैं, मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। आने वाले ब्लॉग के अंदर हम शियान को एक्सप्लोर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। कीप सपोर्टिंग राशिद के ब्लॉग्स।